तो क्या आप जानते हैं कि ग्वालियर शहर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा? तो मैं आपको बताता हूँ, एक संत थे जिनका नाम था ग्वालिपा। फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू ट्रेन लवर्स HY। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि पूरा ग्वालियर, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो भी बेस्ट थिंग्स यहां पर करने के लिए है या फिर यहां पे जो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सिंगल वन डे। तो आइए आज साथ में एक्सप्लोर करते हैं पूरा ग्वालियर। और आज मेरे साथ है मेरी गाड़ी विच इज़ अपाचे। तो आज हम लोग जो है साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे पूरा ग्वालियर। तो वीडियो एंड तक देखिए और मैं आपको एक दिन में जो है सब कुछ कवर करके दिखाऊंगा, जो भी ग्वालियर में अच्छी अच्छी जगह है और एवरीथिंग। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है SS कचौड़ी वाला, और यहाँ पर देखिए आप जैसे भीड़ लगी हुई है। तो अगर आप हैं ग्वालियर में या आप आते हैं ग्वालियर तो ब्रेकफास्ट करने के लिए तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो है कचौड़ी मिलती है। तो आइए टेस्ट करते हैं कैसे यहाँ पर कचौड़ी मिलती है, और मैं आपको बताऊँगा जो भी प्राइसेस वगैरह हैं यहाँ पर कचौड़ी की। तो कचौड़ी और जो पेड़ाई है वो हमारे पास आ चुकी है, तो आइए इसको टेस्ट करते हैं कि कैसे लगती है। एकदम बढ़िया जो खुशखुशा टेस्ट होता है ना, वैसा इसका टेस्ट है। तो आप ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, ग्वालियर में आ रहे हैं आप तो कचौड़ी ऑन SS कचौड़ी वाला। तो मैं ये कचौड़ी जो है ये ख़त्म करके अब आपसे मिलता हूँ ऑन आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो हम आ चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पर, जो कि है जयविलास पैलेस, और आप इसको बोल सकते हैं सिंधिया म्यूज़ियम भी, क्योंकि जयविलास पैलेस के अंदर ही जो है म्यूज़ियम खुला हुआ है। और अगर आप आ रहे हैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से तो मैं आपको बता दूँ बाहर जो है पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप अपनी गाड़ी जो है वहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हैं। और अब हम अंदर चल रहे हैं इतने टाइम म्यूज़ियम, या आप कह सकते हैं जयविलास पैलेस के। तो आइए अंदर से इसको एक्सप्लोर करते हैं, और मैं आपको टाइमिंग्स बता दूं जयविलास पैलेस की, जो कि है सुबह 10 बजे से शाम के 4:45 की, और मंडे को जो है ये क्लोज रहता है। तो बाकी जो आप मंडे को छोड़ के कभी भी आके यहाँ पर घूम सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं जयविलास पैलेस। आ चुके हैं जयविलास पैलेस के अंदर, और मैं आपको यहाँ की एंट्री फीस बता दूँ, 140 रुपये जो हैं वो लगते हैं इंडियंस के। और अगर आप साथ में कैरी कर रहे हैं कैमरा या फिर अपना मोबाइल फ़ोन, तो आपको पे करना होगा एक कैमरा या मोबाइल फ़ोन के लगभग जो है 100 रुपये। जयविलास पैलेस जो कि 1874 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय जया जीराव सिंधिया, हु वॉज महाराज ऑफ ग्वालियर। Yeah.
आप मेरे पीछे से देख पा रहे हैं एक स्ट्रक्चर बना है ये हाथी का। और मैं आपको बता दूं जब 1874 में जब जय विलास पैलेस बनाया गया तब इसकी कॉस्ट जो आई थी वो थी 1 करोड़ रुपीस, जो कि उस टाइम में 1 करोड़ रुपीस थी। तो आज के टाइम में आप समझ सकते हैं कि वो कितनी होगी। कुछ गन्स का कलेक्शन जो कि इस जय विलास पैलेस में है, यहाँ देख पा रहे हैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गन जो है यहाँ पर है। काफ़ी पुरानी पुरानी जो है यहाँ पर गन्स आपको दिख जाएंगी। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर टाइगर गैलरी देखने, देखते हैं किस प्रकार की जो है यहाँ पर टाइगर गैलरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस जय विलास पैलेस। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आपसे मिलते हैं ऑन अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आ चुके हैं ग्वालियर किले पर। इस टाइम हम खड़े हैं ग्वालियर किले पर। और मैं आपको बता दूं अगर आप ग्वालियर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आपको देखनी है तो चले आइए ग्वालियर किले पे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको लगभग जो है सारी चीज़ें जो भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं वो सब जो है ग्वालियर किले पर आपको मिल जाएंगी। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं अब हम ग्वालियर किला। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक नज़ारा, तो आप वो देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतनी सर्दी यहाँ पर इतने टाइम हो रही है, कोहरा देखिए आप कि जो है आसमान और कोहरा एक दूसरे में जो है मिक्स हो चुके हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ग्वालियर शहर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा? तो मैं आपको बताता हूँ। एक संत थे जिनका नाम था ग्वालीपा। तो एक दिन वो भटकते भटकते जो है ग्वालियर के किले पहुँचे, जहाँ पर जो राजा थे सूरज सेन, उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब थी। वो गुज़र रहे थे उस टाइम लेप्रोसी नाम की बीमारी से। तो यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है सूरज कुंड, तो उसका पानी उनको ऑफ़र किया जिससे जो है उनकी जो प्रॉब्लम थी, जिससे बीमारी से निकल रहे थे उससे उनको रिलीफ मिला और वो वापस से हेल्दी हो गए। तो उसको थैंक करने के लिए, उनका जो शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने इस किले का नाम रखा ग्वालीपा, या फिर आप कह सकते हैं ग्वालियर। उसके थोड़े टाइम बाद ही ये सिटी जो है ग्वालियर नाम से जाने लगी। ग्वालियर किले के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर जो है दो एंट्रेंस गेट है, जिसका एक का नाम है एलिफेंट गेट, जिसको हम हाथी गेट भी कहते हैं, और दूसरे का नाम है बादलगढ़ गेट।
यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जो ग्वालियर किला है वो लगभग 100 साल पहले जो है यहाँ के राजा थे महाराज सूरज सेन उनके द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था। अगर टिकट प्राइसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 25 रुपये देने होंगे जो कि कवर करेगा एक टिकट 25 रुपये का एडल्ट का। मानसिंह पैलेस, तेली का मंदिर और सास बहू टेम्पल, तो आप 25 रुपये देकर ये जो तीनों हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आराम से जो है आप घूम सकते हैं। और आपको बता दूं अगर आप साथ में कैमरा लाते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा फॉर योर मोबाइल और फॉर योर कैमरा। अभी हम आ चुके हैं मान पैलेस के अंदर जो कि ईयर 1508 में बनवाया गया था जो यहाँ के राजा थे मानसिंह तोमर उनके द्वारा। और इस महल में जो है कुल 4 फ्लोर हैं जिसमें कि दो जो एक जो है वो है तलघर में। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब है 4 फ्लोर, तो अभी हम नीचे चल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है तो ध्यान रखिए जब आप आ रहे हैं यहाँ नीचे लाइट्स ऑन होनी चाहिए नहीं तो आप अपने मोबाइल की जो है फ्लैश उसको जो है ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे फ्लोर्स मिल जाएंगे जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये है खिड़की, मैं आपको इसके बाहर का जो है दिखाता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं पूरा जो है ग्वालियर इससे जो है दिख रहा है यहाँ से बाहर से। जैसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा व्यू जो है यहाँ से खिड़की से आप ले सकते हैं। तो अब हम बाहर आ रहे हैं मानसिंह पैलेस के जो कि इतना ही यहाँ पर जो था मानसिंह पैलेस में दिखाने लायक आप सबको। अब हम चलते हैं अगले मॉन्यूमेंट की तरफ पर जो है एक म्यूज़ियम भी है आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं आ सकते हैं उसके अंदर जा सकते हैं बट उसमें जो है कैमरा अलाउ नहीं है या फिर आप मोबाइल से भी जो है उसमें फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हैं इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ बट आप आएँ तो आप इंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि मैं आपको घर बैठे बैठे जो है घुमा रहा हूँ पूरा ग्वालियर जो भी यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और जो भी उनकी हिस्ट्री है या उनसे रिलेटेड जो भी है मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ में। और इसी तरह की जो है मैं वीडियोस लाता रहता हूँ हमेशा, कभी जर्नी की ट्रैवल ब्लॉग्स तो कभी किसी सिटी का ट्रैवल ब्लॉग। तो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पूरी वीडियो देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा जो भी ग्वालियर में हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं थ्रू दिस वीडियो। यहाँ पर एंट्री पर ही आपको मिल जाएंगी कुछ शॉप्स जैसा आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप स्नैक्स वगैरह जो भी अपने लिए है ईज़िली यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सास-बहु टेम्पल। और सास-बहु टेम्पल के बारे में आपको बता दूँ ये बनाया गया था 1093 बाय किंग माही पाला। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं अंदर से और देखते हैं कैसा ये मतलब मंदिर बना है और कैसे इसके सब डिज़ाइंस हैं। देख पा रहे हैं ये है एक छोटा मंदिर यहाँ पर बना गया है एंड आई थिंक ये है बहु। ये आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है एक बड़ा मंदिर जो कि शायद इंडिकेट करता है सास को और इन दोनों को मिलके जो बनता है सास-बहु मंदिर। तो आइए इस बड़े मंदिर में हम देखते हैं क्या खास है। ये देखिए सास मंदिर में जो कि बड़ा वाला मंदिर है उसके अंदर ये जैसा आप देख सकते हैं आर्ट इन दीवालों पर। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सास-बहु मंदिर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ जो कि है तेली का मंदिर।
जब आप जाते हैं यहाँ से सास-बहु टेम्पल से तेली के मंदिर के लिए, तो यहाँ से ये करीब पड़ता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर आप पैदल आते हैं वहाँ पर गाड़ी पार्क करके पार्किंग में, तो आपको जाना पड़ता है आपसे पैदल। तो आप ध्यान रखें जब भी आए कि गाड़ी जो है अपनी साथ में लाएं, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर जो है चलना पड़ेगा आपको। और अगर आप आ रहे हैं किसी एल्डर पर्सन के साथ, अपने दादी दादा या किसी भी ज़्यादा एज सीनियर सिटीज़न जिन्हें हम कहते हैं उनके साथ, तो रिमेंबर डेट यू हैव टू कम विथ योर व्हीकल। तो हम आ चुके हैं तेली का मंदिर, जिसको मिहिरा भोजा ने बनवाया था। तेली जो है एक हिंदू शब्द है जो कि निकल के आया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पूजा के टाइम हम लोग जो है ताली बजाते हैं, तो बस वही ताली जो वर्ड है उसी से निकल कर आया है ये तेली शब्द, और उसी से ये इस मंदिर का नाम जो है पड़ा है, तेली का मंदिर। तो आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा अंदर से ये बना है तेली का मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अजीब सी जो है स्मेल आ रही है, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे इसके अंदर। कि अंदर की वॉल्स पर तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ अच्छी अच्छी सी जो है आर्किटेक्चर। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस तेली का मंदिर। अब हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है सूरज कुंड। तो हम आ चुके हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया, सूरज कुंड, जिसका पानी जो है ग्वालिपा ने महाराज सूरज सेन को पिलाया था। क्या आपको पता है जो महाराजास एक्सप्रेस है, जो कि अंडर द इंडियन पैनोरामा, जो कि एक टूर का नाम है महाराजास एक्सप्रेस का, उसके अंडर वो ग्वालियर आती है और अपने टूरिस्ट को जो है ग्वालियर घुमाती है, और वही प्लेसेस घुमाती है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। इन जगहों के अलावा आप जो है ग्वालियर में घूम सकते हैं, ग्वालियर का चिड़ियाघर और ग्वालियर में जो हर साल मेला लगता है वो, इन दोनों की जो है मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग गाइस, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के जो है वीडियो या फिर आप कहें ब्लॉग्स जो है मैं लाता रहता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एंड डोंट फॉरगेट आवर लाइफ इज़ ऑल्सो अ जर्नी। तो जर्नी करते रहें थ्रू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY।